नमस्ते बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था वो एक कविता था। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा शीर्षक है रास्ते का पत्थर। आज का हमारा टॉपिक है रास्ते का पत्थर। ये एक कहानी है बच्चों। आप किसी रास्ते से गुजरते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे गड्ढे या बड़े बड़े से पत्थर मिलते हैं। उसके बारे में ही इस कविता इस पाठ में बताया गया है। बच्चों, इस कहानी को पढ़ने के लिए हम पहले इस पाठ को पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं। आइए हमारे साथ आप भी पढ़िए। आइए बच्चों, इस कहानी को पढ़ते हैं। रास्ते का पत्थर। एक नगर में एक राजा रहता था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। उसका ध्यान सदा प्रजा की भलाई में रहता था। एक दिन राजा वेश बदलकर भ्रमण करने निकला। सहसा उसे ठोकर लगी। उसने देखा कि रास्ते में एक भारी पत्थर पड़ा है। कई लोग उसी रास्ते से आ जा रहे थे। राजा ने सोचा, पता नहीं यह पत्थर कितने दिनों से यहाँ पड़ा है। देखता हूँ इसे यहाँ से कौन हटाता है। यह सोचकर राजा पास ही के एक पेड़ के पीछे छिप गया। थोड़ी देर में राजा को एक किसान दिखाई दिया। वह अपने हल बैल लेकर उसी रास्ते से आ रहा था। किसान ने पत्थर को देखा और मुंह सिकोड़कर पत्थर के बगल से निकल गया। किसान के जाने के बाद एक ग्वाला डब्बे में दूध लेकर उधर से निकला। वह साइकिल पर आ रहा था। उसे पत्थर नहीं दिखाई दिया। उसे पत्थर की ठोकर लगी और डब्बे सहित नीचे गिर पड़ा। उसका सारा दूध बह गया और घुटने में चोट लग गई। वह बड़ी कठिनाई से उठा और बड़बड़ाता हुआ बोला, रास्ते में इतना बड़ा पत्थर पड़ा है और उसे कोई हटाता नहीं। मेरा इतना दूध गिर गया, अब मैं ग्राहकों को क्या दूंगा। ग्वाला साइकिल पर बैठकर आगे निकल गया। उसने भी पत्थर नहीं हटाया। तभी राजा को घोड़े की टाप सुनाई दी। राजा ने देखा घोड़े पर एक सिपाही बैठा है। वह मस्ती से गा रहा है। अचानक घोड़े को पत्थर से ठोकर लगी। घोड़ा पीछे हटा, सिपाही गिरते गिरते बचा। उसने पत्थर को देखा और ऊंचे स्वर में चिल्लाया, मैं कई दिनों से इस पत्थर को यहाँ पड़ा हुआ देख रहा हूँ, पर कोई उसे हटाता नहीं। यहाँ के लोग बहुत आलसी हैं। सिपाही ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और दूर निकल गया। कुछ ही देर बाद एक बुढ़ा आदमी अपने सिर पर फलों की टोकरी लिए आया और पत्थर के ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसके सारे फल रास्ते में बिखर गए। तभी एक बालक दौड़ता हुआ आया और बुढ़े को उठाते हुए बोला, बाबा कहीं चोट तो नहीं लगी। नहीं बेटा, पर मेरे फल, बुढ़े ने कहा। आप यहीं रुकिए, मैं अभी फल उठाकर टोकरी में रख देता हूँ, बालक ने कहा। उसने फल उठाकर वृद्ध की टोकरी में रख दिए। बालक को आशीर्वाद देते हुए वृद्ध चला गया। बालक इधर उधर देखा और फिर रास्ते से पत्थर हटाने लगा। पत्थर थोड़ा सा हिला और फिर अपनी जगह पर आ गया। बालक ने फिर प्रयत्न किया पर पत्थर नहीं हिला। उसने इधर उधर देखा और फिर पत्थर को हटाने का प्रयत्न किया। अचानक पत्थर हिला। बालक ने जब सिर उठाया तो देखा कि एक व्यक्ति उसकी सहायता कर रहा। दोनों ने मिलकर पूरी शक्ति लगाई और पत्थर को रास्ते से हटाकर एक ओर कर दिया। उस व्यक्ति ने पूछा, बेटा तुम कौन हो। लड़के ने कहा, मैं शंकर हूँ, इसी गांव में रहता हूँ। दूसरे दिन शंकर पाठशाला पहुंचा। उसके प्रधानाचार्य ने सभी विद्यार्थियों के सामने उसकी प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि शंकर को राजा ने पुरस्कार दिया। बच्चों, इस कहानी में हमने पढ़ा कि रास्ते से बहुत सारे लोग गुजरे, बट किसी ने भी पत्थर हटाने की जरूरत नहीं समझी, बट एक छोटे से बच्चे ने हिम्मत दिखाई और वो कोशिश किया, जिससे वो पत्थर रास्ते से किनारे पर लाकर रखा। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अब काम करने के लिए, अपने काम करने के लिए किसी पर निर्भर ना होना चाहिए, बल्कि हमें खुद ही प्रयास करना चाहिए। बच्चों, इस कहानी में हमने कठिन शब्द और शब्दार्थ पाया। आइए मैं आपको कठिन शब्द बताती हूँ। कठिन शब्द है बच्चों भ्रमण, प्रजा, पत्थर, डिब्बे, कठिनाई, सिकोड़कर,
बड़बड़ाता सिपाही अचानक चिल्लाया स्वर। ये बच्चे हो गए आपके कठिन शब्द। दूसरा हमारा है शब्दार्थ, शब्द और उसका अर्थ। बच्चों सहसा, सहसा का मतलब होता है अचानक, कठिनाई, कठिनाई का मतलब होता है मुश्किल, स्वर, स्वर का मतलब होता है आवाज, शक्ति का मतलब होता है ताकत, प्रशंसा तारीफ, भ्रमण सैर, प्रयत्न कोशिश, सिपाही सैनिक, ग्राहक खरीदने वाला, टॉप मीन्स घोड़े के पैरों की आवाज। बच्चों आज की क्लास में हम लोग ने सीखा कि रास्ते के पत्थर का कहानी सीखा, शब्दार्थ और कठिन शब्द सीखा। बच्चों आप सभी अच्छे से इस कहानी को पढ़िए और सब कठिन शब्द और शब्दार्थ का अभ्यास करिए। धन्यवाद।